बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। हमने जो मिठाई की सीरीज शुरू की है मिठाइयाँ बनाने की, उसमें आज हम बर्फ़ी बना रहे हैं। ये बहुत ही जल्दी और क्विक तैयार हो गई थी और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और इसके एक एक स्टेप को गौर से देखें, कोई भी स्टेप इसका मिस नहीं करें, और ताकि आपकी रेसिपी जो है वो बहुत अच्छी तैयार हो। तो चलें चल के बनाते हैं बर्फ़ी। बर्फ़ी बनाने के लिए हम एक पैन में 3 टेबलस्पून घी डालेंगे। अभी हमने चूल्हा ऑन नहीं किया। 1 कप इसमें हमने दूध शामिल किया है। इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। मिल्क पाउडर डालेंगे। यहाँ पर मिल्क पाउडर जो है आपने टी वाइटनर दूध बिल्कुल नहीं लेना, आपने बहुत अच्छा फुल फैट मिल्क दूध लेना है। जो हमने नीडो लिया है तो आपने बहुत दूध, अगर आपका दूध अच्छा नहीं होगा, जो मिल्क पाउडर हमने लिया है वो नहीं अच्छा होगा, तो आपकी बर्फ़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो हमने नीडो लिया है, आप कोई भी फुल फैट दूध यूज़ कर लें। इसको अच्छी तरह चलाएँगे और थोड़ी देर में ये चूल्हा, इसके नीचे हमने दूध डालने के बाद, जब दूध अच्छी तरह मिक्स हो गया था तो हमने चूल्हा ऑन कर लिया था। अब इसको हम मुसलसल हमने इसको चलाना है, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो कहीं से दूध ज़्यादा लाल हो जाएगा और वो हमारी बर्फ़ी ख़राब हो जाएगी। तो इसको हमने मुसलसल चलाना है। मुसलसल चलाते हुए हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट में ये हमारा दूध खुशक हो गया था। अब हम इसमें चीनी डालेंगे 1/2 कप, इलायची पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चीनी डालने के बाद ये फिर नरम पड़ जाएगा, तो हमने इसको दोबारा कसना है और मुसलसल हाथ चलाना है जी, और हमने हाथ इसका रोकना नहीं है, और आँच भी हमने दरमियानी रखनी है, जिसकी वजह से बर्फ़ी जो है हमारी वो बहुत अच्छी बनेगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो कमेंट हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं। वीडियो देखते हुए अगर आप एक कमेंट कर देंगे तो हमारा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। आप सब लोग हम जो हैं वो हमारी वीडियोस को देखते हैं और पसंद करते हैं। अब इस पोजीशन पे पैन को बिल्कुल उसने छोड़ दिया है, तो हम एक बाउल में जिसमें हमने रैपिंग शीट लगा के और हम ऑयल लगा लिया था, उसमें हम अपनी बर्फ़ी को डाल देंगे और स्पैचुला पे घी लगा के इसकी सरफेस हम बिल्कुल सीधी कर लेंगे। अच्छी तरह हम इसको इक्वल बराबर कर देंगे। ज़बरदस्त ये बर्फ़ी तैयार हुई थी, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। बस दूध के लिए आपने जो है वो बहुत ध्यान रखना है कि दूध जो है वो टी वाइटनर ना हो। इसके ऊपर हमने बादाम डाले हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप पिस्ता भी डाल सकते हैं। बर्फ़ी हमारी रेडी हो गई है। बादाम डालने के बाद हमने स्पैचुला से उसको अच्छी तरह उसमें दबा दिया ताकि हमारे जो बादाम हमने डाले हैं वो इसके ऊपर चिपक जाएँ। बहुत ही जल्दी तैयार हो गई थी ये बर्फ़ी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और आखिर तक हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। कुछ देर हमने इसको रखा है तो हमारी बर्फ़ी जो है वो बिल्कुल सेट हो गई है। अब हम इसके पीसेस करेंगे। थोड़ी देर हमने ज़रा फ्रीज़र में रख दिया था, वो ज़रा ज़्यादा वो सख्त हो गई है, लेकिन ये है कि बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बर्फ़ी तैयार हुई है।
उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। आखिर तक हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। दुआओं में हमें याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।